हेलो दोस्तों, 21 जुलाई 2019 को हिमाचल प्रदेश में सब इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 729 का एग्जाम हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की ओर से कंडक्ट कराया गया है। और आज की वीडियो में जानकारी देने वाला हूं कि इस एग्जाम में प्रदेश भर से कितने कैंडिडेट शामिल हुए हैं। तो देखिए, कैंडिडेट की संख्या से आप आइडिया लगा सकते हो कि इस एग्जाम में कितना हाई कट ऑफ जाने वाला है। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की ओर से अभी तक इस एग्जाम के लिए ऑफिशियल आंसर की साइट पर अपलोड नहीं की गई है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब इंस्पेक्टर के सी सीरीज के सॉल्वड क्वेश्चन पेपर को। चलिए जान लेते हैं कि 21 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट कराए गए सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में प्रदेश भर से कितने कैंडिडेट शामिल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की ओर से रविवार 21 जुलाई को सब इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 729 के 33 पदों को भरने के लिए रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराया गया। देखिए, प्रदेश भर में रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए 100 एग्जाम सेंटर स्थापित किए गए थे। और जब हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की ओर से सब इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 729 के 33 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, तो उस दौरान प्रदेश भर से करीब करीब 27 से 28 हजार कैंडिडेट ने आवेदन किया था। और 27 से 28 हजार कैंडिडेट में से 2 हजार कैंडिडेट के आवेदन रिजेक्ट हो गए थे। तो देखिए, इसके बाद 26,680 कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए एलिजिबल थे। और जब 21 जुलाई 2019 को हिमाचल प्रदेश में सब इंस्पेक्टर का लिखित एग्जाम कंडक्ट कराया गया, तो उस दौरान 10% कैंडिडेट अब्सेंट थे। और इसके बाद इस लिखित परीक्षा में प्रदेश भर से करीब करीब 24,000 कैंडिडेट शामिल हुए हैं। तो देखिए, ये थी पूरी जानकारी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में शामिल हुए कैंडिडेट की संख्या के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।